uncle. Uy. जी नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, रेडियो के सबसे बड़े प्रोग्राम सॉल्यूशन विद अंकल हुई के साथ मैं हूं आपका अपना अंकल हुई। जैसा कि आपको मालूम है, मसले आपके होते हैं, हल करता है अंकल हुई। आप बड़ी बेताबी से मेरा कर रहे होंगे इंतज़ार और मैं भी कर रहा हूं आपका इंतज़ार। तो चले आए चलते हैं पहले कॉल की तरफ। हेलो, हेलो बेटा, अंकल को कॉल की है, रोते नहीं। मेरी अंकल नीचे बात करवाए, मेरी अंकल नीचे बात करवाए। जी बेटा, मैं अंकल उई ही बात कर रहा हूँ। आप बहुत भूले हो, आप मेरे मामा पापा से भी भूले हो। बेटा, मामा पापा कभी बुरे नहीं होते। अगर वो बुरे ना होते तो मुझे इतने बड़े घर में की ना छोड़ के कभी ना जाते। आपका मसला क्या है? मैं कार्टून देख रही थी, ऊपर से नेट भी चला गया। तो बेटा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आप केबल पर देख लो। केबल भी खराब है। कौन सी मुश्किल बात है बेटा जी? कार्टून मैं सुना देता हूँ। आप कैसे सुनाओगे? कार्टून अंकल आपके पास है? बेटा जी, कार्टून अंकल तो नहीं है, कार्टून मेरे पास है तो मैं आपको सुना देता हूँ। मैं कैसे यकीन कर लूं? ऐसे Tom Pinkett and Olsen say like it is now. I get a slow, I come and go now. I want to see Tom Pinkett and Olsen. I not feel. Hey, no, that isn't from Tom. That is the very hardly performance, you know. I know that it comes and coming get lovers. I know that it's written. Hey, no, that is come get in row. Why hardly missions? I want to see some missions. I don't know that it's going away. I never want to listen to. Hello? आप पहले अंकल उनसे बात करो, ये बहुत बुले कार्टून अंकल थे। बेटा, अंकल हुई तो अच्छा है ना? अंकल नेट आ गया। अब क्या मसला है? मुझे भूख लगी है। तो बेटा कुछ खा लो ना। आपको फोन किया, मैं कैसे खा लूं? बेटा, मैं रेस्टोरेंट पे नहीं बैठा। आप बहुत बोले हो, मेरे मामा पापा से भी ज्यादा बोले हो। बेटा, मामा पापा कभी बुरे नहीं होते। तभी मुझे बताएं मैं क्या करूं, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा जी, किचन में जाएं। ओके, कॉल करें। बच्चों से कॉल मिला देते हो तुम। जी बेटा जी, अंकल ही किचन में। शाबाश। अब ऐसा करें, फ्रिज का दरवाजा खोलें। जी, मैंने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया। शाबाश। अब ऊपर देखें, मछली के सिरिपाए पड़े होंगे। मछली के सिरिपाए तो नहीं है, मछली है। मेरा मतलब है, नीचे वाले खाने में हाथी के अंडे पड़े होंगे। हाथी के कौन से अंडे होते हैं अंकल? मेरा मतलब है कि मुर्गी के अंडे पड़े होंगे। आप खरीदे, आपको तो शायद पता है। तो बेटा जी, अब ऐसा करें, इनको निकालें। कितने अंकल हुई? जितने बेटा आपने खाने हैं। अंकल हुई तो बहुत ज्यादा है। सारे खा लो। अंकल हुई, मामा तो मुझे बस दो अंडे देते हैं। बेटा जी, आप सवा दो अंडे खा लो। अंकल हुई, आप बहुत बुरे हैं, मेरे मामा पापा जी भी बुरे हैं। बेटा जी, मामा पापा कभी बुरे नहीं होते। तो मुझे सही से बताए ना कि मैं कितने अंडे खाऊं। बेटा जी, आप दो खा लें। मैंने दो अंडे निकाल लिए। अब फ्राई पैन कहाँ पड़ा है? एक मिनट अंकल, मैं लाती हूँ। यार, बच्चों की कॉल मिला देते हो यार।
हेलो सॉरी अंकल वो बर्तन गिर गए थे मेरे केड़े पियो दे सर अब बेटा जी आप तो बच गए हैं ना मैं ठीक हूँ अच्छा अब ऐसा करो फ्राई पैन पकड़ो फ्राई पैन तो मेरे हाथ में है वो ही मैंने गिर लिया आप बेटा जी इसको चूल्हे पे रखो कहीं मैंने रख दिया अब इसमें घी डालो जी बेटा शाबाश अब देखो मेल्ट हो गया नहीं अंकल मेल्ट तो नहीं हो रहा बेटा आपने चूल्हा जलाया है अंकल आपने कहा ही नहीं अब बेटा जी बटन को पुश करो कौन से बटन को बेटा चूल्हे को फर्नल पकड़ो अंकल होल्ड करें मैं अभी आई बेटा जी मेरा प्रोग्राम चल रहा है बेटा जी मेरी हेलो हेलो कट कर बच्चों की कॉल मिला के भेजो पहले वेले भेजो कर लो गाले हेलो अरे उसे पची जानी पई जे हेलो अंकल हाँ बोलो एक मसला पड़ गया नहीं बेटा जी नहीं 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 एक कॉल पर एक मसला तुम्हारे तो तीन तीन मसले हैं दो के मैंने बता दिया अब तीसरा अंकल बहुत बुरी है मेरे मामा पापा से भी मामा पापा बुरे नहीं होते अंकल घर में चोर आ गई है बेटा जी अब चोरों का जमाना नहीं है अब तो दहशतगर्दी का जमाना है घर में चोर आ गई है बेटा जी उनके पांव पे लिखा है अंकल मास्क पहने हुए ओ बेटा जी कोरोना की वजह से पहने हैं अंकल मुझे लगता है उन्होंने चादर में कल छुपाई हुई बेटा जी तुम देख कैसे रहे हो हमारे घर में सीसीटीवी कैमरास हैं अच्छा फिर मुझे ये बताओ लोकल है कि इम्पोर्टेड है हम गरीब नहीं है कैमरास इम्पोर्टेड है फिर वाकई चोर ने मेरा पुत्र भज जा मेरा मतलब है कि तुम कहाँ हो अंकल मैं किचन में हूँ तो बेटा देखो इस टाइम वो किधर है बेटा जी लॉबी किचन से कितनी दूर है किचन से अटैच होती है लॉबी मेरा मतलब है कि उसमें दरवाजा तो होगा ना जी जी है अंकल तो फिर बेटा भाग के जल्दी से बंद करो ना अच्छा अंकल मैंने दरवाजा लॉक कर दिया शाबाश अब तुम ऐसा करो हाँ तुम्हारे पापा सिगरेट तो पीते होंगे ना अंकल घर में चोर आ गया और आपको सिगरेट की पड़ी हुई है ओ बेटा जी बस मुझे ये बताएं पापा सिगरेट पीते हैं कि नहीं जी पीते हैं ये हुई ना बात अच्छा ये बताओ इस टाइम पापा के सिगरेट कहाँ पड़े हैं पापा के रूम में तो रूम कितनी दूर है रूम तो ऊपर है तो बेटा जल्दी से सिगरेट लेके आओ ना ओ ये तो पूरी तो तमाला ही पाई जांदी पई जे केड़ी हसाब के फाल मिला दीती है मेरी अंकल जी हाँ बोलो तो सिगरेट मिल गया कौन से हैं क्या मेरा मतलब है कि कितने हैं अंकल फाइव है फाइव तो बेटा जल्दी से किचन में जाके रख दो ओके 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 कॉल नहीं कर सकते
हाँ बोलो अंकल। मैंने सिगरेट रख दी है किचन। शाबाश, अब तुम देखो चोर कहाँ तक पहुँचे हैं। अंकल, अंकल ये चोर 7 बजे कमरे से निकल के किचन की तरफ आ गए। बेटा जल्दी से ना किचन का दरवाजा खोल के तुम ऊपर भाग जाओ। अंकल मुझे पकड़ लेंगे। बेटा जी खोल दो। ओके ओके अंकल, जैसा आप कहें जैसा आप कहें। हाँ बोलो। वो टैप तो मैं नीचे भूल गई जिसमें सीसीटीवी कैमरा चल रहा था। बेटा जल्दी से पकड़ो, जल्दी जाओ। ओके ओके मैं लाती हूँ। हेलो हेलो हेलो। मैं ले आई। हाँ बोलो। कैब ले आई मैं। शाबाश, अब तुम दरवाजा बंद कर लो। अब देखो चोर क्या कर रहे हैं। अंकल वी। हाँ बोलो। चोर किचन में आ गए हैं। बेटा जी क्या करने लगे हैं देखो। अंकल वी, एक चोर फ्रिज का दरवाजा खोल के ब्रेड और जैम खा रहे हैं। भूखे चोर। अंकल हाँ बोलो। या बहुत बुरे, हमारे मामा पापा से भी ज्यादा बुरे। बेटा जी मामा पापा कभी बुरे नहीं होते। तो आपने मेरे पापा की सिगरेट चोरों को दी है, उसे मेरे पापा के सिगरेट निकाल लिए। ये हुई ना बात। आप बताओ सिगरेट लगाने लगा है कि नहीं। वो माचिस चुन रहा है। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अच्छा ये बताओ आप सिगरेट लगाने लगा है कि नहीं। वो पन्ने चलाने लगा है। वेरी गुड। मेरी बात नहीं करवानी बेटा, मेरी बात नहीं करवानी बेटा। बहुत बुरे हो आप, मेरे मामा पापा से भी बहुत बुरे हो। बेटा मामा पापा कभी बुरे नहीं होते। नेक्स्ट कॉल।